वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई संख्या है, उस संख्या में 6 अंक हैं, 7 अंक हैं, 8 अंक हैं, कोई नंबर है 6 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का नंबर है, तब आप उसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे सामने कोई संख्या है, तो यहां पर हम अपनी संख्या ले लेते हैं 58, 52 और 25, 585,225। अब आप इस संख्या का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? जब आपके पास कोई संख्या है जिसमें 2 अंक है, 3 है, 4 है, 5 है, तब तो आप ट्रिक के साथ कर देंगे। लेकिन यहां पर आपकी ट्रिक काम में नहीं आएगी, यहां पर आपको मैनुअल तरीके से ही स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट करते हैं, तब आपको उस संख्या के पीछे से जोड़े बना लेने हैं, पेयर बना लेंगे, वो भी कहां से, पीछे से। 25 हो गया, 52 हो गया और 58 हो गया। फिर आपको देखना है इस 58 जो पहला जोड़ा है, पहला जोड़ा हमारा क्या है 58, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी है। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है हमारी, करके देख लेते हैं, जैसे यहां पर हम कर लेते हैं 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छिंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64। तो यहां पर अब आप बताइए हमें 58 के नीचे कौन सी संख्या रखनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग है। हमें रखनी पड़ेगी कौन सी, 49। ठीक, 64 तो बड़ी हो जाएगी और 36 ज्यादा छोटी हो जाएगी संख्या, तो हमें क्या रखना पड़ेगा यहां पर, 49। 7 सत्ते 49, ठीक, माइनस कर लेते हैं, 18 में से 9 गया, 9 क्या उतार लेंगे, पूरा का पूरा पेयर। इस 7 को लाकर यहां पर हम प्लस करा देंगे, 7 और 7 14। इस 14 के पीछे और नीचे हमको वो संख्या रखनी है जो 952 से छोटी हो जाए या इसके बराबर हो जाए। अगर हम 14 के पीछे 5 रख लेते हैं तो हमको नीचे भी 5 ही रखना पड़ेगा। गुणा करके देख लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 21 22, 5 एकम 5 6 7, 725 छोटा है इससे। फिर हम यहां पर रखेंगे 6, 6 छिंग 36, 6 चौक 24 और 3 27, 6 एकम 6 8, 876। ठीक, 876 आ गया, ये भी इससे छोटा है। एक और संख्या करके देख लेते हैं यहां पर हम, 147। ठीक, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28 और 32, 7 एकम 7 और 3 10। अब बताइए इन तीनों में से यहां पर हमें कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी। हमें रखना पड़ेगा 876। कितने बार गया, 6 बार, 6 यहां 6 यहां और 876 यहां पर। माइनस कर लेते हैं, एक कैरी लिया, 12 में से 6 गया 6, यहां पर रह गया 4, ये हो गया 14, 14 में से 7 गए 7। पूरा का पूरा हम पेयर उतार लेंगे यानी कि 25। ठीक, इस 6 को यहां पर लाके हम प्लस करा देंगे। ठीक, 6 और 6 12, 1 कैरी गया 5 152। अब 152 यानी कि 152 के पीछे आपको ऐसी संख्या रखनी है जो इससे छोटी है इसके बराबर हो जाए। क्या रखेंगे भाई, पीछे 5 आ रहा है ना, तो आप इसको 5 से करके देखिए, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। ठीक है, अगर हम 152 के पीछे 5 रख लेते हैं, 5 पीछे और 5 नीचे, देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 पंचम 25, 5 दूनी 10 12, 5 पंचम 25 1 26, 5 एकम 5 7। ठीक है, ये हो गया 7625। 7625 कितने बार गया, 5 बार, 5 यहां 5 यहां, 7625। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आया 765, जो कि इस पूरी संख्या का वर्गमूल है। ठीक, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो यहां पर हमारी अगली संख्या है 15,82,564। अब आप इस संख्या का वर्गमूल कैसे करेंगे, यह भी इजी है। तो देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, जब भी आप किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं तब आप उस संख्या के पीछे से पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। 64 25 58 और एक अकेला ही रह गया, इसको अकेले ही छोड़ देंगे। अब आपको देखना है एक से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो जब आप देखेंगे तो देखिए, एक भी हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक भी हमारी कैसी संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 एकम 1, 1 में से 1 गया 0 आ गया, क्या उतार लेते हैं यहां पर हम, 58 उतार लेते हैं। ठीक, और इस 1 को यहां पर लाके हम प्लस करा देते हैं, 1 और 1 2,
दो के पीछे और दो के नीचे एक ऐसी संख्या जो 58 से छोटी हो जाए। अगर हम दो के पीछे दो लगा लेते हैं और इसके नीचे भी दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, क्या हो जाता है 44। ठीक, यानी कि ये इससे छोटा है, दो यहां 44 यहां पर। माइनस कर देते हैं, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, क्या उतार लेंगे पूरा का पूरा हम पेयर उतार लेंगे, यानी कि 25। और इस दो को यहां पर लाके फिर से हम प्लस करा देंगे, दो और दो 4, ये हो गया 2, 24। इस 24 के पीछे आपको एक ऐसी संख्या रखनी है जो 1425 से छोटी है, इसके बराबर हो जाए। क्या रख सकते हैं? अगर हम 24 के पीछे रख लेते हैं 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17, 4 दुनी 8 और एक 9, 976 हो रहा है। ये तो ज्यादा छोटी ही हो गई संख्या। 24 के पीछे आप 5 भी रख के देख लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 21 22, 5 दुनी 10 12, ये हो गया 1225। एक बार 6 से और कर लेते हैं, 24 6 यानी कि 6 चिंग 36, 6 चौक 24, 24 3 27, 6 दुनी 12 और 14, 1476। कौन सी संख्या रखें इनमें से? हमें रखना पड़ेगा 1225। 5 यहाँ, 5 यहाँ, और रख लेंगे हम अपनी संख्या 1225। माइनस कर देते हैं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2। ठीक, अपना अगला पेयर उतार लेते हैं हम, जो कि है 64। ठीक, और इस वाले 5 को यहां पर लाके हम प्लस करा देते हैं, तो ये वाली संख्या हो जाएगी हमारी 250। अब हमें देखना है 250 के पीछे हम क्या लगाएं जो 20064 से छोटा या इसके बराबर हो जाए। तो यहां पर हम 250 के पीछे या तो 2 रख सकते हैं या हम 8 रख सकते हैं, क्योंकि अगर जो किसी संख्या के पीछे 2 या 8 होगा तो उनके वर्ग में पीछे 4 आएगा आएगा, तो अगर हमने 2 रखा तो संख्या ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो यहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा, 8 पीछे और 8 नीचे। ठीक, गुणा कर लेते हैं, 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20। तो यहां पर हमारी संख्या आ रही है 20064, जो कि बिल्कुल इससे मिल रही है। इसका मतलब 8 यहां, 8 यहां, यहां, तो इसका मतलब यह हुआ हमारी संख्या 1582564 का वर्गमूल क्या होगा? 1258।